अब्दुलरहमान साहब ने बन्नो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से एक सवाल लिखा। कहते हैं कि मैं एक रात जलसे में शिरकत करने के बाद काफ़ी देर से घर आया तो सब घर वाले सो चुके थे। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और अपने बिस्तर पर लेट गया। मैंने लाइट लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मामूल के मुताबिक मेरी चारपाई के साथ बीवी की चारपाई होती है। कहते हैं कि मुझे कुछ ख्वाहिश हुई जिसकी वजह से मैंने अपना हाथ बीवी की तरफ बढ़ाया और मैंने उसके सीने पे हाथ फेरा। बाद अज़ां कमीज़ के अंदर भी हाथ दाखिल किया। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये मेरी बीवी नहीं है। मैंने लाइट लगाई तो फिर वाकई वो मेरी बीवी न थी बल्कि मेरी सास थी जो बीवी की जगह लेटी हुई थी और साथ में मेरी बच्ची भी सो रही थी। कहते हैं इसके बाद मैंने फौरन तौबा और इस्तगफार किया। मैंने हनफी उलमा किराम से इस मसले की बाबत दरियाफ किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी अब तुम पर हराम है। लिखते हैं कि खुदारा आप इस मसले को मुफस्सल व मुदल्लल बयान फरमाकर मेरी परेशानी का शाफी हल बताइए। मेरे सब रिश्तेदार बड़े गुस्से में हैं। जो भी हुक्म अज रूए कुरान हदीस है इससे हमें अपने फतवा के ज़रिए आगाह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजवाब बिआउनिल मलिकिल वहाब। अल्लाहुम्मा हिदायतल हक वस्सवाब। देखें जी, वो औरतें जिनसे निकाह हराम है उनको नौ किस्मों पर तकसीम किया जाता है जिसमें एक किस्म हुर्मत मुसाहरत है। मर्द औरत एक दूसरे को शहवत से छुएं या एक दूसरे की शर्मगाह को देखें तो औरत के उसूल व फरू मर्द पर हराम हो जाएंगे और मर्द के उसूल व फरू औरत पर हराम हो जाएंगे। इसको हुर्मत मुसाहरत कहते हैं। ये हुर्मत हमेशा के लिए होगी, इसके हलाल होने की कोई सूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वअम्महातु निसाइकुम वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी उन बीवियों की बेटियाँ जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। कुरान करीम ने उन औरतों को भी हराम किया जिनकी माँ के साथ निकाह करके या बग़ैर निकाह वती कर ली गई हो। और शहवत के साथ छूना भी वती के हुक्म में है। शहवत के साथ छूने से भी हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है। और इसके बारे में अल्लामा निज़ामुद्दीन लिखते हैं, हुर्मत मुसाहरत जिस तरह मुबाशरत से साबित होती है इसी तरह शहवत के साथ छूने बोसा लेने या फर्ज यानी शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी साबित होती है, जैसा कि ज़खीरा में है और फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 274 ता 275 ये मसला मौजूद है। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि किसी औरत को शहवत के साथ छुआ या उसकी शर्मगाह को बनदर शहवत देखा हुर्मत साबित हो जाएगी, अगरचे ये काम जान बूझ कर किया हो या भूले से हो या गलती से हो या ज़बरदस्ती कराया गया हो, हर सूरत में हुर्मत साबित हो जाएगी। रद्दुल मुख्तार अलद्दुर्रुल मुख्तार फ़सल फिल मुहरमात जल्द 2 सफ़ा नंबर 306। अल्लामा निज़ामुद्दीन लिखते हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका छूना खाह ये फेल जानबूझकर हो या भूल कर हो या उससे ज़बरदस्ती कराया गया हो या गलती से हुआ हो, हर सूरत मुसाहरत साबित हो जाएगी। फतावा आलमगीरी जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 274। लिहाजा जब बीवी की माँ को शहवत से आपने छू लिया तो बीवी आपकी उसी वक्त आप पर हराम हो गई। और बीवी की माँ तो पहले से ही हराम थी, अब दोनों माँ बेटी हमेशा के लिए हराम हो गई कि इनसे निकाह की कोई सूरत नहीं है। मुतारका के बाद औरत को इख्तियार है कि उस शख्स के सिवा जिससे चाहे निकाह कर सकती है। मुतारके का तरीका यह है कि शौहर दो गवाहों के सामने कहे, मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, वो जिससे चाहे निकाह कर सकती है। मुतारका के बाद उस औरत की इद्दत शुरू होगी। अल्लाहु आलम अज़्ज़ा वजल व रसूलहु आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।